नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडास में। दोस्तों, रामदेव बाबा सॉल्वेंट का आईपीओ आने वाला है, तो आज हम इस आईपीओ का फुल रिव्यू करने वाले हैं और लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो पे बने रहना। तो दोस्तों, कंपनी की बात करें, कंपनी 2008 में एस्टैब्लिश हुई थी और कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडिबल ऑयल। तो ये एडिबल ऑयल के अंदर स्पेसिफिकली राइस ब्रान ऑयल का जो है यहाँ पे ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो कंपनी करती है। और दोस्तों, इनकी दो ब्रांड से, एक तो तुलसी है और दूसरी जो है सेहत, तो ये दो ब्रांड से जो है कंपनी का बिजनेस है। और दोनों ब्रांड्स जो अगर हम देख पाएंगे कि ये राइस ब्रांड ऑयल का जो है उनका मैन्युफैक्चरिंग रहता है और जो है इनका सेम ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन भी है। और इनके अगर मैं क्लाइंट बेस की बात करूं तो मैरिको, गोदरेज, कारगिल और मदर डेरी, तो काफी रेप्यूटेड क्लाइंट बेस है इनके। और इनके पास काफी सारे सर्टिफिकेशन है जैसे FSSAI। इसके अलावा दो तीन और भी जो है इनके पास सर्टिफिकेशंस है। तो इनके जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे वो काफी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स रहेंगे। और दोस्तों, इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, तो दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वन इन मदुला और दूसरी जो है नागपुर के पास में है जो कि महाराष्ट्र में है। और इनका दूसरों राइस ब्रान ऑयल के अलावा ये जो है दूसरा भी जो है उसका ऑयल का जो है एक्सट्रैक्ट करके बाय प्रोडक्ट बनाते हैं और जिसको जो है ये महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में जो है सप्लाई करते हैं। तो राइस ब्रान के अलावा जो है इसका इनका बाय प्रोडक्ट का भी सेल रहता है। अभी दोस्तों, रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2021 में 427 करोड़ का रेवेन्यू था जो कि बढ़ते बढ़ते जो है 704 करोड़ हो गया। तो रेवेन्यू में एक अच्छा सा हमें जो है जंप देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 6 करोड़ का प्रॉफिट था, वो बढ़ते बढ़ते जो है 13 करोड़ हो गया है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है इनका 1.5% के आसपास का है, क्योंकि दोस्तों ये इंडस्ट्री ऐसी है, इस इंडस्ट्री के अंदर आप कोई भी कंपनी उठा लोगे तो उनका 1.5-2% के आसपास का जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन रहता है, तो इट्स ओके। और नेटवर्क की बात करेंगे दोस्तों तो 28 करोड़ से इनका बढ़ते बढ़ते नेटवर्क हो गया 47 करोड़। और बोरिंग्स भी जो है यहाँ पे लगातार इनकी इंक्रीज हो रही है, 44 करोड़ से ये ओके इंक्रीज होके ऑलमोस्ट ये जो है 100 करोड़ को टच ऑलमोस्ट इसने कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे बोरिंग्स जो है वो काफी ज्यादा है नेटवर्क से, तो यहाँ पे एक कंसर्न वाला फैक्टर हमें फाइनेंशियल्स के अंदर देखने को मिल रहा है। अभी दोस्तों, हम बात करेंगे वैल्यूएशन की, तो दोस्तों 85 रुपीज का जो है ये कट ऑफ प्राइस रहेगा इस आईपीओ का। और जो पी रेशो निकल कर रहा है वो है 8.47 का। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करेंगे तो 31% का जो है इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। और प्लस अगर हम पीयर कंपिटिटर करेंगे कंपिटिशन करेंगे तो यहाँ पे चार पांच कंपनीज निकल कर रही है। पहली जो है बीसीएल इंडस्ट्रीज, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है अराउंड 21 के आसपास का है। गोकुल री फॉइल्स का जो है 14 का है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स 10.99 का। कृति न्यूट्रिएंट्स 22 का। और श्री वेंकटा रिफाइनर्स का जो है 5 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। तो दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे जो है कंपनी टू कंपनी काफी फ्लक्चुएटिंग है। हम देख रहे हैं कि श्री वेंकटेश का 5 का है और सबसे ज्यादा जो है वो कृति का है जो कि 22 का है। तो उससे सबसे दोस्तों मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक ये अपना जो आईपीओ है वो कहीं ना कहीं जो है मुझे लग रहा है कि एक फेयर वैल्यू पे जो है लाने की कोशिश की जा रही है। बिकॉज अगर आप दूसरी कंपनी का देखोगे श्री वेंकटेश्वर का तो 5.48 का है और सबसे ज्यादा कृति का है 22 का। और इनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर रहा है वो अराउंड 8 के आसपास का निकल कर रहा है। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा बीच का जो है इन्होंने मिड सेगमेंट का जो है इन्होंने प्राइस रखा हुआ है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ दूसरी कंपनीज का अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा श्री वेंकटेश रिफाइनर्स का है, 24% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। और वहीं दूसरी जो सबसे कम जो है वो है गोकुल का, 7.64 का है। सबसे ज्यादा रामदेव बाबा का है जो कि है 31.46 का है। तो एक अच्छा खासा रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है यहाँ पे देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की बात करेंगे तो पहला जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा सेटिंग अप ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ये लाने वाले हैं, उसके लिए जो है इनको अराउंड 18.81 जो है रुपीस लैक्स चाहिए होंगे। और
मतलब 18 करोड़ के आसपास का जो है इनको चाहिए होगा, प्लस रीपेमेंट इनको करना रहेगा कुछ बोराइंस का, तो उसके लिए जो है 8 करोड़ का जो है ये रीपेमेंट करने वाले हैं, प्लस फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स उनके लिए इसको जो चाहिए होगा वो 12 करोड़ के आसपास का रहेगा चाहिए होगा, और जो दूसरा जो पैसा चाहिए वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स भी जो है कंपनी ने काफी क्लैरिफाई कर रखे हैं। अभी आईपीओ डिटेल्स की बात करेंगे तो ये आईपीओ जो है बेसिकली 15 अप्रैल को आने वाला है और 18 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। प्राइस बैंड कट ऑफ प्राइस 85 रुपीज पर शेयर रहेगा, लॉट साइज 1600 को शेयर्स का रहेगा, इश्यू साइज 50 करोड़ का है, पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू रहने वाला है, इश्यू टाइप बुक बिल्डिंग इश्यू, लिस्टिंग इसका एनएससी एसएमई पे रहेगा, रिफंड 22 अप्रैल तक जो है आ जाएगा और अलॉटमेंट होगा 19 अप्रैल को, डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 22 अप्रैल को, लिस्टिंग डेट जो रहने वाला है इसका 23 अप्रैल का रहने वाला है। QAB कैटेगरी में 50% ऑफ द शेयर्स, रिटेल कैटेगरी में 35% ऑफ द शेयर्स और HNI कैटेगरी में 15% ऑफ द शेयर्स अलोकेट किए जाएंगे। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 1,36,000 रुपये चाहिए होंगे आपको अप्लाई करने के लिए, वहीं HNI कैटेगरी में जो है 2,72,000 रुपये चाहिए होंगे आपको अप्लाई करने के लिए। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो यहाँ पे पहले जो प्रमोटर्स है मिस्टर प्रशांत जी, सेकंड जो है मिस्टर नीलेश एंड थर्ड जो है मिस्टर तुषार, और प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है 81% थी और आईपीओ आने के बाद की होल्डिंग जो है अभी डिस्क्लोज की नहीं गई है। और दोस्तों अगर हम आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें यहाँ पे, तो इनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो अराउंड इनका चल रहा है यहाँ पे 220 रुपीज़ का जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है आज के दिन में, और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है आपको 24% के मिल सकते हैं। तो ये अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम है, आपको इस पे जो है अपनी नज़र बनाए रखना आने वाले दिनों में। और दोस्तों अगर हम बात करें इसमें अभी अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, तो दोस्तों कंपनी काफ़ी सालों से जो है इस बिजनेस के अंदर है, तो एक पॉजिटिव चीज़ है इसमें, और दूसरा इनका जो है रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हो रहा है वो हमने देखा, प्लस इनका जो है प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, हालांकि प्रॉफिट मार्जिन जो है इनका कम है। मुझे मेन कंसर्न वाला फैक्टर लगा इनकी बोरिंग्स, 100 करोड़ के आसपास की जो है इनकी बोरिंग्स पहुंच गई है, तो वो एक कंसर्न वाला फैक्टर है। और दूसरा वैल्यूएशन भी कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे लग रहा है कि अभी अपने फेयर वैल्यू पे जो है ये आईपीओ लाने की जो है यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और बाकी दोस्तों मुझे लग रहा है कि इसमें हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, पहले देखना चाहिए कि इसको रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। एक अगर अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिलता है और अगर 100 टाइम्स के ऊपर जो है ये आईपीओ सब्सक्राइब हो जाता है रिटेल कैटेगरी में, तो फिर इसमें जो है एक अप्लाई करने का हम लोग नज़रिया बना सकते हैं, और हमें अभी फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि वेटिंग वॉच ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप अपना एनालिसिस जरूर कर लेना और उसके बाद ही डिसाइड करना कि आपको इसमें क्या करना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।